बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आज दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा, आज मैं स्वागत करूंगा दाढ़ी वाले चचा का और घंटा बजाने वाले बाबा का। हल्ला बोल बेरोजगारी के खिलाफ आज मैं उनके खिलाफ जो है आज स्वागत करने वाला हूं, और स्वागत करने वाला हूं उन मीडिया दलाल मीडिया पत्रकारों का जो कंगना के अंगना में बैठ के मुजरा कर रहे हैं ना, उनका भी आज हम क्या करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। अर्थात अभी जो बड़े मियां हैं, बड़े मियां समझ रहे हो ना, केंद्र में जो बैठी सरकार है उसका वित्त मंत्रालय का अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आया है कि 1 जुलाई 2020 के बाद जितने नए आवेदन किए गए वो निरस्त किए जाते हैं, और आगे सरकार कोई भी वैकेंसी नहीं लाएगी, आगे कोई भी भर्ती नहीं होगी। अभी ये तो हजम ही नहीं हुआ था, तौले छोटे मियां का आदेश आ गया कि उत्तर प्रदेश में अब नौकरी करना है तो 5 साल संविदा पे रहना है, समझ रहे हैं, यानी आपकी नौकरी जब लगेगी तो आप 5 साल संविदा पे रहेंगे, यानी ठेकेदारी प्रथा पे रहेंगे। 5 साल रहेंगे तो हर साल आपका परीक्षा होगा, ठीक है, परीक्षा किसका होगा, आपका हर साल एग्जाम होगा, उसमें 60% आप पाएंगे हर साल, तब 5वें साल जाके फिर आपकी कार्यशैली देखी जाएगी, फिर परमानेंट आपको किया जाएगा, और उसके बाद जो है अगर आपका कार्यशैली नहीं सही रहा तो फिर आपको बाहर खदेड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी 5 सितंबर को, 5 सितंबर को जब देश में सारे लोग जब सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया और सरकार के मन की बात में लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन हटा दिया गया, इसे ही शास्त्रों में कहते हैं फटति फटता फटंत। तो आप समझ रहे हैं, ये जो 2 तुगलकी फरमान जारी हुआ है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि 5 साल आप संविदा पे रहेंगे, उसके बाद सरकार आपको नौकरी देगी और 50 साल बाद खदेड़ देगी, समझ रहे हैं ए चौकीदारों, चौकीदारी तो यार ढंग से तुम लोग किया करो। अभी सुन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे यार यहां पे जो निजीकरण हो रहा है ना, नौकरी से निकाला जा रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मोहल्ले में एक सरकारी नौकरी कर रहा है, तो जब मोदी जी उसको निजीकरण कर रहे हैं तो 10 खुश हो रहे हैं, अरे बड़ा मजा आ गया, बड़ा सरकारी 40,000 पेमेंट पाता था। याद रखो जब बच्चा पैदा होता था ना तो सोचते थे ना, मेरा बाबू डॉक्टर बनेगा, मेरा बाबू इंजीनियर बनेगा, मेरा बाबू पुलिस बनेगा, मेरा बाबू दरोगा बनेगा, मेरा बाबू IAS बनेगा, बाबू मेरा PCS बनेगा। अब जब बच्चा पैदा होगा ना तो चौकीदारों सुन लो, ए अंधभक्तों सुनो, बच्चा सिर्फ मेरे बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, अब तुम्हारा भी बच्चा ना तुमको गाली देगा कि जब देश बेचा जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, आज खड़ा हो जाओ, बंद करो भक्तिगिरी, तुम किस पार्टी से हो, किसी पार्टी को मानो ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है, किसी पार्टी को मानो, बसपा या भाजपा सपा बसपा जिसको भी मानो, लेकिन निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करो, बेरोजगारी के खिलाफ सरकार से सवाल खड़ा करो, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है, और तुम लोग भक्ति में इतने लीन हो गए हो। इस समय क्या हो रहा है देश में, इस समय TV पे कौन सा डिबेट होना चाहिए, डिबेट ये होना चाहिए कि रेल क्यों बेचा जा रहा है, डिबेट ये होना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले चचा आज सबका रोजगार क्यों खा रहे हैं, डिबेट इस पे होना चाहिए बलात्कार क्यों हो रहे हैं, डिबेट TV पे इस पे होना चाहिए कि देश की GDP क्यों माइनस में जा रही है, और अंबानी अडानी की GDP 33% ग्रोथ करती है और भारत की GDP -24% में चली जाती है, सरकार किसके लिए काम कर रही है, इस पे डिबेट होना चाहिए। और डिबेट किस पे कर रही है मीडिया, मीडिया किस पे डिबेट कर रही है, अरे बड़ा मजा आया, हम तो टीवी एक दिन, संजोग से तो मैं टीवी देखता ही नहीं हूं, लेकिन एक दिन देखा, अब उस पे बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती,
जेल में 3 बार करवट बदली, 3 बार खुजली की, उसको बिस्तर 12 बजे मिला, अपने कमरे में टहल रही थी। अरे लगे हाथ ये भी बता दिए होते कि सुबह बाथरूम में कितना ml पेशाब किया, कितना ग्राम पट्टी किया। आपको शर्म नहीं आता है? ऐसे दलाल मीडिया जो कंगना के अंगना में बैठ के मुजरा कर रहे हैं, आपको डिबेट करना चाहिए इन सब मुद्दों पे कि देश का युवा क्या करेगा, यूथ क्या करेगा, पकौड़ा तलेगा हैं? क्या तलेगा बताओ? पकौड़ा तलेगा, नाली साफ करेगा, यही युवा करेगा? तुम लोगों को डिबेट करना चाहिए कि जीडीपी क्यों गिर रही है, जीडीपी सुधारने के लिए अर्थशास्त्रियों को बुलाकर डिबेट पे बैठाते। ये एनटीपीसी का एग्जाम जो होने वाला है उसमें बच्चों का पैसा लेके सरकार नहीं करा रही, क्योंकि उसे वेंडर नहीं मिल रहा है, परीक्षा कराने वाले ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। इस पे डिबेट होनी चाहिए। अब तुम डिबेट कर रहे हो कि रिया के पास 20 ग्राम चरस कैसे आया, 20 ग्राम ड्रग्स कैसे आया। डिबेट तब भी कर लिए होते बेटा कि 42 जवान जो पुलवामा मरे थे OIDX कहां से आया था, उसका खोज नहीं किए हैं? ये जान लेना, देश की बर्बादी में मीडिया तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ये याद रखना। तुम संविधान के चौथा स्तंभ हो, तुम जिस सरकार को चाहो नंगा कर सकते हो, तुम्हारे पास ये पावर दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अपने पावर को पहचानो कि तुम्हारी शक्ति क्या है। तुम वो एक पावर हो कि सरकार के तख्ते पर बैठा सकते हो और सरकार को पैंट उतार के नंगा कर सकते हो। तुमको उतना शक्ति दिया गया है, अपने शक्ति का दुरुपयोग मत करो, पत्तल चाट पत्रकारिता मत करो। हमको तो डर है दादा, सरकार में बैठे जितने भी सरकारी महकमा के लोग हैं उनकी जितनी चाटुकारिता पत्तल चाट वाला आप लोग कर रहे हैं, शुक्र है वो शौचालय में जाते हैं। अब आपके सामने ना मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया है, अगर आप बेरोजगार स्टूडेंट हैं तो आपको समझाने की हमको जरूरत नहीं है, आपका आत्मा समझ गया होगा कि आप सरकार से कितना संतुष्ट हैं। ये मैंने गोबर भक्तों के लिए बनाया है और पत्तल चाट पत्रकारों के लिए बनाया है कि कैसे पत्रकारिता करते हैं और जनता को कैसे बताते हैं कि क्या चल रहा है। ये मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूं, एक ऐसे बच्चों का कि जो सुबह 3 बजे उठ के बाग में दंड बैठक मारते हैं, दौड़ते हैं कि पिताजी पैसा लगा रहे हैं, मैं मेहनत करके भर्ती होऊंगा, किसमें, रेलवे में, NTPC, SSC, दरोगा, पुलिस, सब में, ठीक है। अब देखो केवल एक एग्जाम्पल देख लो, ए गोबर भक्तों थोड़ा यहां ध्यान दो, यहां पे देखो ध्यान दो यार, हंसी भी आता है तुम लोगों के भक्ति पे यार, मतलब सरकार के भक्ति में इतना लीन हो गए हो यार कि अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य के बारे में तो सोचो हैं? चलो गोबर भक्तों यहां ध्यान दो और चौकीदारों यहां पे ध्यान दो, ये NTPC का एग्जाम है, देखो सरकार कैसे तुमको चूतिया बनाती है। यहां पे NTPC का एग्जाम होगा, 2.5 करोड़ अभ्यर्थी आवेदन किए थे, 2.5 करोड़ अभ्यर्थी, उनसे लिया गया था 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया लिया गया था, जबकि यह फीस इतना नहीं होता है। तो ये सरकार ने कहा कि हम 400 आपको रिटर्न कर देंगे फीस और 100 रुपया रख लेंगे। अगर मान लो सरकार ने 2 साल वैकेंसी को उलझा दिया, ठीक है, प्री मेंस और लाठी चार्ज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कौन कौन कोर्ट, तो इसका थोड़ा फार्मूला समझ लो गोबर भक्तों। यहां पे देखो, अगर ये फार्म पड़ता है, 2.5 करोड़ लोग आवेदन करते हैं, RRB NTPC केवल एक भर्ती का मैं एग्जाम दे रहा हूं, तो 12 अरब 50 करोड़ रुपया सरकार के खाते में जाता है। और अगर सरकार वैकेंसी 2 साल अगर रोक देती है, मैंने आप लिखा ना 2 साल रोक देती है, तो 3% ब्याज के हिसाब से आपके इसी पैसे का ना 500 रुपए का, 400 रुपए का 9 अरब रुपया 2 साल में बचा लेती है। 9 अरब रुपया कम नहीं होता है, समझे? इतने लोगों को ना 1-1.5 लाख जो वैकेंसी निकली है, उतने लोगों को 60 साल तक नौकरी करवा सकते हो, समझ रहे हो? अब इसको सरकार उलझा दी अगर 4 वर्ष के लिए, तो ये पैसा हो जाएगा 18 अरब रुपया, समझ रहे हो गोबर भक्तों? गोबर निकाल दो, नहीं तो जान लो तुम्हारा भविष्य खतरे में है, ठीक। अब थोड़ा सा और आ जाओ,
भाई मास्टर कौन बनता है? नेता का लड़का बनता है? हैं, कौन बनता है? मिनिस्टर का लड़का बनता है, सांसद का लड़का बनता है, विधायक का, एमपी एमएलए का लड़का बनता है? अरे उनका बच्चा ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो मास्टर नहीं बनता है। मास्टर गरीब घर के बच्चे बनते हैं, थोड़ा सा मास्टर का दर्द समझ लो। केंद्र वाले सरकार में बैठे दाढ़ी वाले बाबा रविंद्रनाथ टैगोर जो बन रहे हैं, उनका जो नोटिफिकेशन आया है कि वित्त मंत्रालय का मेरे पास धन नहीं है, दिवालिया हो गया हूं मैं, 1 जुलाई के बाद जो भर्ती का फॉर्म भरे हैं वो भी निरस्त, नई वैकेंसी नहीं आएगी। और वो तो वो बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, उत्तर प्रदेश में घंटा वाले बाबा जी कह रहे हैं कि 5 साल संविदा पे रहना है। तो थोड़ा सा ये जो ग्राफ बनाया हूं ना, ये बेरोजगार समझ रहे होंगे, और खास करके जो मास्टर है ना वो समझ रहे होंगे, क्योंकि 69,500 जो वैकेंसी लटकी हुई है 2 साल से, वो बखूबी समझ रहे हैं। उनको समझाना नहीं है, समझाना किसको है? जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और अंधभक्ति में प्रमाण पत्र दिया जाए तो ऊपर सबसे कैटेगरी में नंबर 1 पे आएंगे मेरिट में। और उन पत्तल चाट पत्रकारों को बता रहा हूं कि तुम ये दिखाओ अपने न्यूज चैनल पे, बंद करो, रिया कितने एमएल पेशाब की, रिया कितने ग्राम पोटी की, रिया कई बार खुजली की, रिया कई बार क्या की, कंगना कहां घूम रही है, कंगना के अंगना में मुजरा करना बंद करिए। यहां देखो, चलो आ जाओ भक्तों, इधर आओ। देखो लड़का जब 5 साल का होता है ना, तो कक्षा 1 में एडमिशन होता है। मैं एक स्कूल का प्रबंधक हूं और मैं एक टीचर भी हूं, और इस भाषा में इसीलिए बता रहा हूं कि अंदर का क्रोध है, क्योंकि 5 बार जूनियर टेट क्वालिफाई हूं, 1 बार प्राइमरी टेट क्वालिफाई हूं, सुपर टेट भी क्वालिफाई हूं, अभी तक नौकरी का कुछ हता पता नहीं है, समझे? ऐसे पता नहीं कितने लाख लोग पड़े हुए हैं खाली यूपी में। तो गोबर भक्तों यहां ध्यान दीजिए, हती आ रहा है यार, तुम लोग कितना बेइज्जत हो गए बे। चलो यहां देखो जब लड़का 5 साल का होता है, कक्षा 1 में पढ़ता है, ठीक, और जब कक्षा 10 में जाता है तो उसकी उम्र 15 साल हो जाती है, फिर 12 पढ़ लिया, मान लो कि पिता अगर भाई मजदूरी करके पढ़ा दिया, 12 पढ़ा दिया, तो उसका उम्र 17 वर्ष हो जाता है, ठीक। तो 17 वर्ष तो नाबालिग रहेगा, नौकरी तो मिलेगा नहीं, तो दादा कहेंगे कि बेटा जाओ बीए कर लो, बीए के बाद के जाना नौकरी मिल जा। तो लड़का 3 साल बीए करेगा तो 17 × 3 = 20 वर्ष का हो जाएगा, समझ रहे हो? गोबर भक्तों तुम्हारे लिए है, बाकी समझदार अंध भक्ति में जो नहीं है वो समझ रहे हैं, तुम लोग ध्यान से समझो। चलो उसके बाद मान लो बीए के बाद भी नौकरी नहीं मिला, तो ये होगा भाई एमए कर लो, नहीं बी एवे नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या तो यह है भाई, पहले शादी भी हो जाता था, भाई नौकरी कर रहा है अगर काला कलूटा है तब भी उसको वालिया मिल जाती है, कालिया को वालिया मिल जाती थी, अब वो भी भूल जाओ, कालिया वाले आलिया का सपना देखना बंद करो। चलो एमए कर लिया, उम्र हो गया 20, 23, 23, अरे सॉरी, हाँ चलो 1 साल ले लो, मान लो 20, और यहां पे एमए करने में 2 वर्ष लगता है, 20 × 22 होना चाहिए, 1 साल घूमेगा इधर उधर, अपना फार्म वोरम भरेगा इधर उधर, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा भाई? लड़का पढ़ने में तेज है, कहीं नौकरी नहीं मिला तो कहेगा भाई बीएड कर लो। तो आप देखो बीएड करने के लिए 2 वर्ष तैयारी करेगा, बीएड इंट्रेंस एग्जाम 400 नंबर का आता है, 2 पाली में परीक्षा होता है, तो 2 साल तैयारी करेगा, कोचिंग वोचिंग पकड़ के कहीं आराम से अपना रोटी वोटी अपना बनाएगा, सब्जी भुजिया सब्जी बना के खाएगा। जाओ ना कभी इलाहाबाद कोटा में जाके देखो बच्चे की, जिस उम्र में घूम रहे हो ना तुम अंधभक्तों, गमछा भगवा गमछा बांध के जो घूम रहे हो पढ़ने वाले बच्चे, जाके देखो इलाहाबाद कोटा में दिल्ली में कि कितनी तैयारी करते हैं, रोटी बेलते हैं कि हमारा बीएड इंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। चलो बीएड इंट्रेंस एग्जाम जब निकल गया तो बीएड हो गया इनका, बीएड जो है 2 वर्ष में कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बीएड करने के लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके मार्कशीट बीए में क्राइटेरिया नहीं लगाएगा, जब आप बीएड कर लेंगे तो टेट में बैठने के लिए तब ससुरा कुल कहेंगे कि 50% आपका बीए में मार्क्स होना चाहिए। अरे गधा, जब बीए में मार्क्स 50% होना चाहिए तभी बीएड करेंगे, तो बीएड इंट्रेंस एग्जाम में ही जो है कि तुम लोग कट ऑफ लगा दिए होते, 50% वाले ही बीएड करेंगे। तो ये 2 साल बीएड करता है, बीएड करने जाएगा तो हाँ स्कूल में क्या बोलते हैं, मैं किया हूं मैं जानता हूं, सुन लो, अब स्कूल में उसको
एडमिशन के नाम पे जूता नहीं पहन के आए उसके नाम पे, बेल्ट पहन के नहीं आए उसके नाम पे, टाई लगा के नहीं आए उसके नाम पे फाइन, फिर आपके एनुअल फंक्शन के नाम पे फाइन, फिर प्रैक्टिकल के नाम पे फाइन, फिर उसके बाद जो है कि आपके टूर के नाम पे फाइन, फिर आपके किट के नाम पे फाइन, फिर आपके एग्जाम के नाम पे, प्रवेश पत्र के नाम पे, मतलब चूस डालते हैं सब। तो दो साल चुसाने के बाद जो है जब टेट में बैठने की बारी आएगी तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका बीए में 50% होना चाहिए। तो ये गधा यहाँ पे तुम लोगों को पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हो, तुम लोग तो बीएड इंट्रेंस एग्जाम में ही क्राइटेरिया लगा देते 50% जिनका बीए में रहेगा वही बीएड इंट्रेंस एग्जाम देंगे या बीएड करेंगे। चलो मान लो वो भी दो साल पढ़ के 2 लाख लगा के पढ़ लिया, 3 साल टेट की तैयारी करेगा तो उसका उम्र हो जाएगा 28 साल, ठीक। अब उसके बाद 4 साल वो वैकेंसी का इंतजार करेगा, 4 साल अगोरेगा कि भाई अगला सरकार आएगी, तो अगला सरकार आई है तो वैकेंसी देगी, और फिर वैकेंसी क्लियर कब करेगी, जब अगला चुनाव आएगा तब फिर क्लियर करेगी। तो इस इंतजार में वो लड़का बेचारा 4 साल वेट करता है, 4 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 32 वर्ष, फिर वो वैकेंसी आएगी, टेट का परीक्षा देगा। अब जब टेट का परीक्षा देगा तो परीक्षा देकर आएगा, अब इन घर नहीं पहुंचा तब तक व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे क्वेश्चन पेपर सरकार लीक करा देती है, सोच सुन सुनो लीक कराएगी, फिर उसके बाद पता चलेगा उस पर हल्ला दंगा बच्चे करेंगे, फिर पता चला कि पेपर 150 क्वेश्चन में 80-80 क्वेश्चन पेपर बनाने वाले गलत बना दिए, फिर उस पर बच्चे कोर्ट जाएंगे, फिर हड़ताल करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर लाठी चार्ज होगा उनके ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से फिर जीत के आएंगे, ठीक। फिर उसके बाद तब एक और परीक्षा होगा सुपर टेट। अब देखो यहाँ 5 सब्जेक्ट से टेट का परीक्षा हुआ, अब यहाँ पे सुपर टेट में 12-14 सब्जेक्ट हो गया, इतने सब्जेक्ट के परीक्षा दो। फिर सुपर टेट में इनका क्या होगा, पेपर लीक होगा, फिर पेपर गलत होगा, फिर हड़ताल करेंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर डबल बेंच में जाएंगे, फिर लाठी चार्ज होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इतना काम करने में 5 वर्ष बीत जाएगा, तब तक इनकी उम्र हो जाएगी 37 साल। अब 37 साल बाद हाई घंटा वाले बाबा कहे हैं, आज अभी 2 दिन पहले फरमान आया, घंटा वाले बाबा कहे 5 साल संविदा पे रहना है। तो जब 5 साल आप संविदा पर रहेंगे अर्थात कि 5 बार फिर परीक्षा आप देंगे और उसमें 60 नंबर आप लाएंगे, तब 5 साल बाद फिर देखा जाएगा कि आपकी कार्यशैली कैसी है, फिर उसके बाद तब जाके आपको परमानेंट किया जाएगा। अब पता है 5 साल जिसके अधीन आप काम करेंगे तो आधा 1/2% यानी आधा सैलरी आपकी वो लेगा, ठेकेदार लेगा जिसके नीचे आप काम करेंगे, जिस अधिकारी के नीचे, समझ रहे हो, एकदम हिटलर शाही व्यवस्था हो गया। फिर देखो ये 5 साल संविदा पे करने के बाद तब तुम बनोगे क्या, मास्टर साहब। क्या बनोगे, मास्टर साहब। तब तक तुम्हारी उम्र कितना हो जाएगा, अरे भाई 37 और 5 42 वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद दाढ़ी वाले चचा का वित्त मंत्रालय और जितने मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उस चचा का फरमान आया, दाढ़ी वाले चचा जो रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे हैं झांसाराम जी, ठीक है, उनका आया है कि 50 वर्ष बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। इतना जो है 42 वर्ष के उम्र में तो मास्टर बने, 8 साल बाद रिटायर हो जाएगा, 8 × मान लो 40,000 वेतन मिला तो जोड़ लो कितना पैसा पाए उसके बाद रिटायर हो गए। ये क्या व्यवस्था है यार, कौन सी व्यवस्था है ये, है देश का मजाक बना के रख दिए आप लोग, है। इसके बाद कहेंगे कि 60 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब ये आंकड़ा उसका भी दे रहा हूं, रुक जाओ। हम तो सरकार से कह रहे हैं भाई मास्टर बनने के लिए इतना प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो तुम लोगों को भी नेतागिरी में आने के लिए अब हम लोग मांग करेंगे। भाई हम लोगों के साथ तो इतना फार्मूला करा दिए, ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसे पढ़ो पेपर लीक करो हाई कोर्ट जाओ सुप्रीम कोर्ट जाओ 15 सब्जेक्ट पढ़ो 16 सब्जेक्ट पढ़ो, तुम लोगों को भी 5 साल नेतागिरी में रहने के लिए 3 साल पहले संविदा पे रहना है, 3 साल संविदा पे रहना है, सुनो 3 साल आप नेता लोग संविदा पे रहेंगे, जनता आपसे टेट के जैसा परीक्षा कराएगी, पेट का, पेट समझ रहे हो, पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपको राजनीति शास्त्र से यानी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बना के देंगे हम लोग 150 प्रश्न, खाली 150 प्रश्न में तुम लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर 20 प्रश्न तुम लोग सही कर दिए ना तो मैं YouTube छोड़ के भाग जाऊंगा,
अगर नेता लोग 150 में से 20 क्वेश्चन सही कर दिए, किसी नेता को एमपी एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता है, किसी नेता को यह नहीं पता है कि संसद भवन में कार्रवाई कैसे होता है, संसद का प्रश्नकाल कैसे होता है, हाँ ये जरूर पता रहता है विधायक निधि कैसे बेचना है और सांसद निधि कैसे बेचना है और जनता का खून कैसे पीना है, ठीक है। तो तुम लोगों का भी परीक्षा होगा पेट का, पॉलिटिकल इजिबिलिटी टेस्ट। इन 3 साल संविदा पे रहोगे, तुम लोगों का वेतन आधा मिलेगा और विधायक निधि जनता द्वारा खर्च होगा, सांसद निधि जनता द्वारा खर्च होगा। 3 साल बाद हम बताएंगे तुम पास हुए कि नहीं हुए, फिर उसके बाद 2 साल तुम्हारी फुल सैलरी मिलेगी, वो भी कब, जब जनता चाहेगी तब। तैयार हो? हम तैयार हैं इसके लिए, हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए, और तैयार हैं उसके बाद भी क्वालिफाई हैं, घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं तुम लोग। और यूथ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चुनाव में आप लोग तैयार रहिएगा। अब तो जैसे गलती कर दिए हो तो गलती का सजा ये है कि 2022 और 2000 फिर अगला सांसदी चुनाव तक वेट करो। आयुष, चुनाव में घर पे बैठे रहना, सुन लो, किसी नेता का ना शराब पीना, सब गलती तुम लोगों का है। सरकार क्यों रोजगार नहीं दे रही है, सरकार बेरोजगारी क्यों फैला रही है, सरकार क्यों भर्ती नहीं कर रही है, क्यों एजुकेशन को खराब कर रही है, क्योंकि उनके झंडा लेके कौन ढोएगा, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उनके करने के लिए तुमको ये सब किया जा रहा है। तुम पढ़ो मत, पढ़ोगे तो सवाल करोगे और सरकार से सवाल करोगे, सरकार सवाल बर्दाश्त करेगी? तो ये इसलिए सरकार चाहती है तुम पढ़ो मत, जब पढ़ोगे नहीं बेरोजगार रहोगे, तभी तो सरकार का शराब चुनाव में पियोगे, तभी तो सरकार का झंडा लेके घूमोगे, तभी तो जिंदाबाद करोगे, तभी तो सरकार बनेगी, फिर सरकार मुद्दा उठाएगी हम तुमको रोजगार देंगे। चुनाव जब होने वाला रहेगा तो वैकेंसी नहीं करेगा, और फिर अगला चुनाव होने रहेगा तब क्लियर होगा, समझ रहे हो। सुनो, कुछ गोबर भक्त और अंधभक्त कहते हैं 60 साल में क्या हो गया, ए गधा, तुम लोग पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए, देश जब आजाद हुआ था तो इतनी बड़ी थल सेना, अब थल सेना में देखो आर्मी है, बीएसएफ है, एसएसबी है, पता नहीं कितनी है, मन थल सेना इतना बड़ा बना, जल सेना नेवी बना, वायु सेना बना, इतने लड़ाकू विमान आए, इतना तीनों सेनाओं का इतना बड़ा संगठन बना, उसके बाद रेल का जाल बिछा, रेल दुनिया का सबसे दूसरा तीसरा पे भारत का रेल का जाल बिछा, इतनी ट्रेनें चली, ट्रेन का रास्ता बनाया गया, पटरियां बनाई गई, रोडवेज बना, सड़कें बना, बिजली बना, आईआईटी के कॉलेज खुले, फिर उसके बाद एम्स जो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुला, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, कितने विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, कितने सरकारी कॉलेज खुले हुए हैं, ये क्या सब यही चच्चा बनाए हैं और ये बाबा बनाए हैं, हाँ समझ में नहीं आता है। इन्हीं सब 4 सालों में 2014 के बाद हुआ है, 2014 के बाद इन्हीं सबको बेचा जा रहा है। सुन लो ए गोबर भक्तों, जब अपने घर का लड़का ना अपने बाप की बनाई संपत्ति को बेच के घर चलाता है ना, तो उसे हमारे यहाँ गांव में लोग कहते हैं नालायक बेटा है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार एकदम नालायकी के हद पे उतर गई है, रेल बेच दी, बाप 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 दादा की बनाई संपत्ति रेल बेच दी, बेचा जा रहा है, रेल बेच दिया गया, एयर इंडिया बेचा जा रहा है, बीएसएनएल बेचा जा रहा है, एमटीएनएल बेचा जा रहा है, सरकारी नौकरियों को भाड़ा पे दिया जा रहा है, समझ रहे हो, हैं नालायकी की हद देख रहे हो। तो आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि आपको इस वीडियो को वायरल करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम सब्सक्राइब करना मत करना, वीडियो को जरूर पहुंचाओ, कहां तक, दाढ़ी वाले चचा के पास और लखनऊ में बैठे बब्बा के पास, ठीक है, इन दोनों लोगों के पास पहुंचाओ कि युवा आज कितना आक्रोश में है। और अगली बार सुनो, हाथ जोड़ के निवेदन है, ए देवता, ए सरकार, गुरुदेव, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मत युवा के साथ खेलिए आप लोग,
ये जो खेल रहे हैं ना 2020 बड़ा भारी पड़ेगा। 70 साल बाद तो अभी आए हैं, अभी पैदा हुए हैं, अभी जवान हो रहे थे, क्यों फिर 70 साल बाद आना चाहते हैं? बड़ी उम्मीद थी युवा को आपसे, हम भी दिए थे 2014 में वोट दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार पर साल मिलेगा, दिए थे। मतलब हम तो बता दिए कि हमको भाई बवासीर हो गया है इस सरकार से। अब देखो गोबर भक्तों, तुम लोग बता दो तुमको बवासीर हो गया है, नहीं तो देश नरक में चला जाएगा। और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, बाबा आप लोग युवा के साथ 2020 मैच मत खेलिए। ये युवा आपको तख्ता पे बैठा सकता है, तख्ता से उतार सकता है। और युवा को मैं कहना चाहूंगा, अगली बार प्रधानमंत्री चुनना तो इस बात को याद रखना कि कलेजा, सीना 56 इंच वाला, गुर्दा, छाती ये थोड़ा कम रहेगा चलेगा, लेकिन दिमाग वाला प्रधानमंत्री चाहिए जो कम बोले लेकिन देश चलाए ढंग से। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ इस उम्मीद से कि इस वीडियो को आप वायरल करेंगे वहां तक। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।